अल्लाह ने सूरह ताहा में ये तसव्वुर बयान किया है। पारा नंबर 16 है ये कुरान का। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बात की, फरमाया ऐ मूसा मेरे पैगंबर, फिरौन बड़ा जालिम है, अब सरकश भी हो गया है, हमारे निजाम का बागी हो गया है, इतने मेरे पंथ को गुलाम बना लिया है, बच्चिया कत्ल करता है, बच्चे जिंदा रखता है, ऐ मूसा जा। मौला क्या करूं, वह इज़हब इला फिरौना इन्नहु तगा। ऐ मूसा जा, फिरौन बागी हो चुका है, नारा इंकलाब लगा, कुल्ली बिगाड़ का खात्मा कर दे, कुल्ली तब्दीली ला। जब जाने लगे ना कुल्ली बिगाड़ के खात्मे के लिए, अर्ज किया बारी ताला इनकलाब का नारा लगाऊंगा, कोई छोटा नारा नहीं है, तो बारी ताला कुछ देकर तो भेज। मैं मूसा मांग क्या मांगता है, अर्ज किया बारी ताला रब शराली सदरी, पहले तो मेरा सीना खोल, चूंकि इनकलाब की बात करूंगा, ऐसी बात जब मैं बोलूं फिर अपना हो या पराया, तो मेरी बात को वो निगेट ना कर सके, बात को रद्द ना कर सके। जो इनकलाब की आवाज उठाता है अल्लाह उसके सीना खोलता है, जब वो बोलता है अपने तो अपने हैं, दुश्मन भी कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि बात ठीक कर रहा है, उसका सीना रब खोलता है, उसके साथ मदद रब की होती है, जो इनकलाब का दाई होता है। कहने लगे रब भी शराली सदरी, बोला सीना खोल, फरमाया मूसा जा तेरा सीना खोल दिया। अर्ज किया बारी ताला एक और शय भी अता कर, फरमाया क्या, कहने लगे रब्बी शराली सदरी वयस्सिरली अमरी, मेरा काम आसान कर, ऐ मूसा जा तेरा काम भी आसान कर दूंगा। वहलुल उकदतन मिन लिसानी, बारी ताला मेरी जबान अटकती है, तोतली है, इसे भी ठीक कर दे। बचपन में आपके मुंह में अगारा रखवाया गया था फिरौन, उसको शक था कि यही वो है जो मेरा तख्त उल्टेगा, उसने फूल भी मंगवाए थे, अंगारे मंगवाए थे, कह लगा अगर ये आम बच्चा है तो फूल उठाएगा, अगर पैगंबर है तो फिर दोनों फूल लगाएगा, अंगारों की तरफ नहीं जाएगा, आम बच्चा है दोनों तरफ जाएगा। तो हदीस पाक पे आता है आपका हाथ फूलों की तरफ जा रहा था, अल्लाह ने अपना फरिश्ता भेजा, आपका हाथ अंगारे की तरफ करके अंगारा उठवा के मुंह में रखवाया, जबान जल गई, फिरौन को यकीन हो गया कि ये वो नहीं है जितने तख्त उलटना है, जबान जली तोतली हो गई। अर्ज किया बारी ताला बचपन में अंगारा तूने रखवाया था, जबान तूने जलवाई थी, आज ठीक भी तू कर दे, तोतली जबान से इनकलाब की बात करूंगा, लोग हंसेंगे, बारी ताला अगर जबान पे कंट्रोल नहीं होगा, जबान से बात सही नहीं निकलेगी, कभी बात इधर की हो जाए कभी उधर की हो जाए, या कभी बोलूं लोगों को समझ ना आए तो इनकलाब की बात करते हुए डगमगा जाऊंगा, लोग हंसेंगे। अर्ज किया बारी ताला दबा के उकदे हल कर दे, मूसा जा तेरी दबा ठीक कर दी, अब जब तू बोलेगा अपना हो जा पराया, तेरी बात को बड़े गौर से सुनेगा। फिर यफकहु कौली, जो भी तू बोलेगा मैं उनको समझा दूंगा। अब ये दाई इनकलाब का निसाब है, जो इनकलाब के बाद उठाता है अल्लाह उसको ये शान देता है, उसको शरह सदर भी देता है, जबान में बोलने की ताकत भी देता है, उसकी दबाव फिसलती नहीं है, कभी मुंह से गाली निकले कभी गलौज निकले कभी लोगों की इज्जत तार तार करे, ऐसा कभी नहीं होगा। जो दाई इनकलाब होता है जब वो बोलता है रब उसकी जबान की भी हिफाजत करता है। फिर वो 30-40 साल पहले जो बात करता है 40 साल बाद सुने, अपनी बात पे कायम रहता है, वो दोगला नहीं होता, उसके अंदर लोटापन नहीं होता, कभी इधर हो गया कभी उधर हो गया, इधर मफाद आया तो इधर चला गया, उधर मफाद आया उधर चला गया। दाईये इंकलाब एक पॉइंट पे रहता है, अपने एजेंडे पे रहता है, वो पॉइंट वो मकसद जो खुदा और मुस्तफा उसे समझाते हैं, उस मकसद के हुसूल के लिए अपना तन मन धन लुटाता है, वो इंकलाब दाई होता है। खोल दे ऐ मूसा जा, तेरी जबान के उकते हल कर दिए, अब तो जा। अर्ज किया वजाली वजीरा, अकेला नहीं जाऊंगा, वजीर भी बना, अकेला नहीं जाऊंगा, इनकलाब की बात करनी है, तो मैं ऐ मूसा जा तेरा वजीर बनाया, तेरा भाई तेरा वजीर पैगंबर बना दिया, अब तो जा। जब गए तो अर्ज किया बारी ताला इतनी चीजें अता कर, करेंगे क्या? अब वो आयत बताना चाहिए जिस पे आपको लाना था, फिरौन के दरबार में करना क्या है, ये सारी चीजें लेके सुने। कहते हैं कै नुसब्बिहा का कसीरा, बारी ताला ये सारी चीजें दे, वजीर भी बना,
सर सदर भी दे, जबा भी हल कर, यफकहू कौली का ये फैज भी दे, करना क्या है? बारी ताला कैनु सब बेहक कसीरा, ताकि हम दोनों भाई वहां जाकर कसरत से तेरी तस्बीह करें। अब पूछे उलमा से, ये कसरत के साथ जो दोनों पैगंबरों ने जाके तस्बीह की, ये तस्बीह क्या थी? इन दोनों ने जाकर क्या किया था फिरौन के दरबार में? बड़े दानों वाली तस्बीह उठा के गले में डाल ली थी, जोर जोर से तस्बीह पढ़ते थे, करते क्या थे? एक ही काम था, इंकलाब की आवाज उठाई थी, हराम के निजाम के खात्मे का ऐलान किया था, कुल्ली बिगाड़ के खात्मे का ऐलान किया था। कुरान फरमाता है, जब बिगाड़ का खात्मा करना हो और इंकलाब बपा करना हो, इस अमल को करना, अल्लाह फरमाता है ये भी मेरी तस्बीह है। अब ये कुरान कहता है तस्बीह है, और बंदा कहे कि नहीं मैं तो वही तस्बीह करूंगा जो दानों वाली है और उसी पे इक्तफा करूंगा, नहीं, ये तस्बीह हकीकी नहीं है जिस पे हमें लगा दिया गया। हकीकत तस्बीह कुछ और थी जो 1400 साल पहले रब ने समझाई थी, मुस्तफा ने बताई थी। आज रास्ता भूल गए, जब रास्ता भूले तो फिर जिवाल भी है, दहशतगर्दी भी है, फाशी और यानी भी है, ना अदा फरमानी भी है, खुदा और मुस्तफा की नाराजगी भी है। आए वो साकी की तस्बीह को समझ के अपनी जिंदगियों में इस तस्बीह को लेके आए। ये पैगाम है तहरीक मिनहाजुल कुरान का, और ये सिर्फ हमारा पैगाम नहीं, ये कुरान का पैगाम है, ये इस्लाम का पैगाम है, और ये ताजदार कायनात का पैगाम है। इस तसव्वुर को फिर मेरे आका ने जिंदा किया, साहबे कराम ने अपनाया। ये वो तसव्वुर था जिसके लिए मेरे आका ने 83 जंगें भी की, कुल्ली निजाम के खात्मे के लिए जिद्दोजहद की, मैदान बद्र में आए, उहद में आए, खंदके खोदी, साहबा शहीद कराए। क्यों? अगर तस्बीह जिक्र अज़कार फकत वही था तो हम समझते हैं तो फिर मैदान में जाके नारा इनकलाब लगाना क्या काम है, इसका क्या फायदा है? ये वो हकीकी तस्बीह थी जो खुदा ने अता फरमाई।